गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो हमने क्या देखा, एक ही वृत्त है, इस वृत्त पर हमने क्या किया, इसके शीर्ष से यहाँ पर एक आपकी स्पर्श रेखा ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची, ठीक है। तो हमने क्या दिखाना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएँ एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी वृत्त का व्यास है, तो वृत्त और ओ जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। एल ए सिरे पर स्पर्श रेखा है, एल जो है ए सिरे पर क्या स्पर्श रेखा है, और एम जो है वो बी सिरे पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमने क्या सिद्ध करना है कि एल जो है वो एम के क्या है, समांतर है, ठीक है। उपपत्ति, एल स्पर्श रेखा है और ओ ए जो है उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो ओ ए जो है वो एल पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल वन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार ओ बी जो है वो एम पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल टू बराबर भी कितना हो जाएगा, 90। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर देखा तो हमने देखा यार दोनों राइट आउट क्या है, 90 है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल वन बराबर एंगल टू। लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण भी हैं, तो इसलिए जो है एल किसके पैरेलल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत है और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए के क्रमशः स्पर्श बिंदु हैं। सिद्ध करोगी ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, सिद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक वृत्त के परिगत है और सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। हमने क्या किया, उपपत्ति में एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपको मालूम होना चाहिए, समान होना चाहिए, हम समान होती है। इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार आपके पास बी बी पी बराबर बी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सी आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी क्यू, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। और डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस, इक्वेशन नंबर फोर्थ। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ लिखा तो एक साथ जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को एक साथ, तो हमने क्या आया, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए पी प्लस बी पी यहाँ जाएगा और सी आर प्लस डी आर यहाँ जाएगा इक्वल ए एस, ए एस प्लस क्या आएगा यहाँ पर, डी एस बराबर या सॉरी प्लस फिर क्या जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू। तो मैंने क्या देखा, ए एस प्लस डी एस को अगर जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर, और बी क्यू प्लस अगर सी क्यू को जोड़ते हैं वो किसके बराबर होता है, बी सी के बराबर, और ए पी प्लस पी बी को अगर जोड़ते हैं ए बी के बराबर जाएगा। और इसी प्रकार सी आर और प्लस अगर सी डी को जोड़ते हैं, डी आर को अगर जोड़ते हैं तो किसके बराबर जाएगा, सी डी के बराबर आ गया, ठीक है। तो आपने यही प्रूव करना था, इन दो भुजाओं का योग, इन दो भुजाओं के योग के क्या है, बराबर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कि एक वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच कोण और बिंदु और केंद्र द्वारा बने कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अर्थात आपने सिद्ध करना है कि एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल टी पी एस बराबर 180। इट मीन्स ये आपके पास एक ड्रॉ है, आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 होता है। ये आपने क्या करना, प्रूव करना कि टी ओ एस प्लस टी पी एस बराबर कितना होता है, 180। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर चूँकि ओ टी परपेंडिकुलर किसके है, टी पी, और ओ एस परपेंडिकुलर है एस पी, तो एंगल ओ टी पी और एंगल ओ एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। पहला कोण 1, दूसरा आपका 2, तीसरा 3 और फिर 4 बराबर 360। 1 ऐसी रहेगा, एंगल 2 आपके पास 90 है, एंगल 3 भी ऐसी रहेगा, एंगल 4 आपके पास 90 है बराबर 360। तो 1 प्लस 3 और 90 में 90 जोड़ो 180, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो एंगल टी ओ एस टी ओ एस और प्लस यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास टी पी एस बराबर कितना जाएगा, 180। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और एक स्पर्श रेखा ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त को सी पर स्पर्श करती है और साथ ही समांतर रेखाओं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश को क्रमशः ए तथा बी पर मिलती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्ध करना है ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। रचना क्या करेंगे, देखिए चित्र में ये आपकी आकृति है, आपने सिद्ध करना है कि ए ओ
बी बराबर कितना सिद्ध करना है अपने 90 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमें आकृति दे रखी है एक्स वाई और नीचे क्या है एक्स डैस वाई डैस। हमारे पास यहाँ पर हमने ओ से सी को मिलाया, इस पर एक बिंदु लिया इस पॉइंट ए बी पर, ओ से सी को मिलाया और फिर यहाँ पर हमने क्या किया ओ से यहाँ पर ए तक एक रेखा खींची और ओ से किसको मिला दिया बी को ही मिला दिया। तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल यहाँ पर ओ ए एम और अपनी सुविधा के लिए ओ ए सी को एक साथ लिया। इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो मैंने लिखा भी, मैंने इसको एक्स से नाम दिया है और इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पर वाई नाम दिया है। ठीक है, तो एंगल एक्स, इसको मैंने क्या नाम दिया यहाँ पर वाई, तो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर कितना 90 डिग्री। और दूसरा ओ ए आप देख रहे हैं इसमें भी है कॉमन है आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। और तीसरा ओ एम बराबर कितना ओ सी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं इसलिए त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ सी ए जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों यानी कि उनका हाइपो और दो साइड बराबर हों और एक कोण 90 डिग्री का हो, साथ में एक भुजा जो हाइपोटेनस है वो भी अगर बराबर हो तो वहाँ पर आपकी आरएचएस सर्वांग समता लगती है। तो आरएचएस सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। अब अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत भाग या संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो एंगल वन बराबर एंगल टू, एंगल थ्री बराबर एंगल फोर। आकृति में अगर देखें तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर बराबर कितना बन रहा है 180। कैसे, आप देखिए यहाँ पर एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को मिलाते हैं तो एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है और जिसका योग कितना था 180। तो अभी आपने सिद्ध किया था कि वन किसके बराबर टू, थ्री किसके बराबर फोर, तो वन की जगह टू लिख दिया, टू तो अपनी जगह रहा, थ्री की जगह थ्री रह दिया और फोर की जगह भी क्या रख दिया यहाँ पर थ्री। तो हमने क्या देखा एंगल टू कितनी बार आ गया दो बार आ गया और एंगल थ्री भी कितनी बार आ गया दो बार आ गया। तो टू एंगल टू प्लस टू एंगल थ्री बराबर 180, इन दोनों में से टू कॉमन है तो अंदर क्या हो जाए एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर 180 और ये टू इंटू में इधर का जाएगा इसके अपॉन में, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री बराबर 90। और एंगल टू प्लस एंगल थ्री को अगर देखें तो किसके बराबर है ए ओ बी के बराबर है, तो ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएँ एक वृत्त के स्पर्श करें तो सिद्ध करो कि यह समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज की भुजा ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। उपपत्ति कैसे करेंगे, एक ही बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। अर्थात यहाँ पर देखिए आकृति रेखा है तो आपके पास क्या हो जाए ए पी किसके बराबर जाएगा ए एस के बराबर, इसी प्रकार पी बी जो है वो किसके बराबर बी क्यू के बराबर जाएगा और आपके पास सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर जाएगा और डी आर जो है वो डी एस के बराबर जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ले लिया। अब हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिया, जोड़ा ना, तो जोड़ने पर बाईं ओर को बाईं ओर से दाईं ओर को दाईं ओर से जोड़ना, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस आ गया। ठीक है, तो ए पी के साथ अगर मैं पी बी को ले लूँ तो ये भुजा पूरी आपकी क्या जाएगी ए बी आ जाएगी। तो वैसा ही मैंने यहाँ पर क्या है ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस क्या आएगा यहाँ पर डी एस और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो मैंने देखा ए पी प्लस पी बी ए बी के बराबर है, सी आर प्लस डी आर सी डी के बराबर है, ए एस प्लस डी एस ए डी के बराबर और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी के बराबर है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपको मालूम है कि ए बी जो है किसके बराबर सी डी के बराबर है, तो इस सी डी की जगह मैंने ए बी लिख दिया, कितने ए बी हो गए 2AB। इसी प्रकार इस बी सी की जगह क्या लिख दिया मैंने ए डी, कितने ए डी हो गए 2AD, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हमारा कितना आ गया ए बी बराबर आ गया हमारे पास ए डी। अब आपको मालूम है चूँकि ये समांतर चतुर्भुज था तो समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर उसने सी डी दिया था और ए डी बराबर क्या दिया था बी सी। तो हमने देखा अपनी सुविधा के लिए आप इसको इक्वेशन कुछ भी मान सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रहने दीजिए ए बी यहाँ आपके पास ए डी के बराबर जबकि ए बी सी डी के बराबर है, तो ए डी भी किसके बराबर जाएगा सी डी के बराबर और जबकि ए डी जो है किसके बी सी भी बराबर तो बी सी भी किसके बराबर सी डी के बराबर जाएगा। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो अतः ए बी सी ए क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल कराऊंगी और अगर इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना। ठीक।